वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सप्तों का सच। आज हमारी इस सीरीज़ का आखिरी दिन है और पिछले हफ्ते हमने यहाँ पर अपने कुछ मेहमानों को आमंत्रित किया था, कुछ केस स्टडीज़ को यहाँ हमने बुलाया था जिन्होंने गाइडेड मेडिटेशन के ज़रिए ये जाना है कि सपनों ने उनकी दुनिया में कितनी बदलाव लेकर आए हैं। आज हम अपनी बाकी बची केस स्टडीज़ से बात करेंगे, यानी उन लोगों से बात करेंगे जिन्हें ल्यूसिड ड्रीम्स, रेकरेंट ड्रीम्स, टेलीपैथिक ड्रीम्स, एनिमल ड्रीम्स और पास्ट लाइफ ड्रीम्स अक्सर आते हैं। एक बार फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर न्यूटन, जाने माने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। डॉक्टर लक्ष्मी भी हमारे साथ हैं और वो भी एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं और जाने माने स्पिरिचुअल साइंटिस्ट भी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारे साथ सभी मेहमान एक बार फिर जुड़े हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है अपना समय निकालने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ऋचा तिवारी से, जिन्हें अक्सर ल्यूसिड ड्रीम्स आते थे। ऋचा हमारे साथ है। ऋचा, कैसा महसूस कर रही हैं आप? कोई बदलाव दिखा आपको इन हफ्तों में? मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ। सबसे बड़ा बदलाव जो है वो ये है कि मैं मेडिटेशन को काफ़ी सीरियसली लेने लगी हूँ। मुझे पिछले 5-6 सालों से बहुत लोगों ने बोला कि मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, कंसिडरिंग द काइंड ऑफ ड्रीम्स आई सी विच आर सो विविड एंड सो लाइव। पर मुझसे मेडिटेशन कभी हो नहीं पाता था, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ दैट मेंटल ब्लॉक विच आई हैड कि मैं मेडिटेशन नहीं कर सकती। बट इस प्रोग्राम में आने के बाद जब डॉक्टर न्यूटन ने मुझे गाइडेड मेडिटेशन कराया तो मुझे कुछ थोड़ा पता चला कि इस तरह से अगर मैं मेडिटेशन करूँगी तो शायद आई कैन अचीव इट। एंड पिछले जितने भी हफ्ते अभी मैंने ट्राई किया है मेडिटेशन, मैं काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुई हूँ। और उसमें आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अभी मौका है आपके पास। एक जो डाउट मेरा है, मैंने बहुत लोगों से सुना है मेडिटेशन के अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, और एक जो बहुत ही कॉमन टर्म यूज होती है कनेक्ट टू योर इनर सेल्फ। आई डोंट नो हाउ टू डू दैट। फॉर मी द वे आई एम डूइंग मेडिटेशन, आई जस्ट क्लोज माय आईज एंड आई ऑब्जर्व माय ब्रेथ, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम देर आर मेनी थॉट्स विच कम टू माय माइंड एंड समटाइम्स आई फॉरगेट दैट आई वाज एक्चुअली सिटिंग हियर फॉर मेडिटेशन। सो यू आर परफेक्टली फॉलोइंग द नेचुरल मेथड ऑफ प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन। Your breath is the link between your body, your mind, your emotions and the soul. Okay. And your breath becomes your guru, your ultimate guru. When you follow your guru, guru will take you inward. It will, the guru will guide you into your inner self. Thoughts settle hone mein thoda time lag jayega, but lekin after that, once you reach to that alochana rahit sthiti, then you can connect to your inner self. Aur jo aapki family jo hai, वो इसे कैसे ले रही है इस बदलाव को? मेरी फैमिली, आई लिव विद माय हस्बैंड, सो ही इज़ द ओनली वन हु ऑब्जर्व्स, सो एज पर हिम देर आर सर्टन चेंजेस विच ही हैज़ नोटिस विच आई एम ऑल्सो नोटिसिंग। द फर्स्ट थिंग इज दैट वेन आई एम एट होम देन आई एम वेरी मच एट पीस, बट वेन आई गो टू ऑफिस देन देर आर सो मेनी नेगेटिव पीपल्स अराउंड यू, यू नो देयर नेगेटिविटी अफेक्ट्स यू। लेकिन अब आप उसे ओवरकम, अब मैं उसे ओवरकम कर पाती हूँ और मुझे खुद लगता है कि मैं जिस जगह पे बैठी हूँ प्रॉब्ली यू नो माई ऑरा इज ऑल्सो गेटिंग इम्प्रूव, सो आई फील दैट अदर पीपल हु आर सिटिंग नेक्स्ट टू मी दे आर ऑल्सो गेटिंग द बेनिफिट। सो दिस इज वन चेंज विच आई एक्सपीरियंस एंड माई हस्बैंड ऑल्सो सेज दैट चेंज। दैट्स रियली गुड। लगभग 3 हफ्ते पहले हमने रेकरेंट ड्रीम्स को भी अपने इस कार्यक्रम में डिस्कस किया था, और ये वो सपने होते हैं, यानी एक ही सपना जब आपको बार बार आता है तब आप उसे रेकरेंट ड्रीम कहते हैं। रंजना तब हमारे साथ थी और रंजना को डॉक्टर न्यूटन ने गाइडेड मेडिटेशन कराया था। रंजना, वेलकम टू द शो। थैंक यू। रंजना, अब आप में क्या चेंज आया है इन 3-4 हफ्तों में? आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, very aware of that fearful feeling which I was getting. Now I feel I'll be able to cope with it and I'll be able to decode most of my dreams, because usse mujhe bahut zyada dar lagta tha, but now I am very confident and I'm sure I'll be able to handle any other dream which is fearful or which is recurrent. I'll be able to handle it much better and I'm more confident and aware of myself. To ye jo confidence hai aur ye jo overcome kiya hai aapne fear ko, iske piche aap kya reason manti hain? Main jo reason hai wo kya hai? Mere andar ek fearful feeling aati thi jab wo dream recurrent aati thi, and mind me lagta tha ki ye kyun aati hai, but now my that question has been answered, so now I feel confident ki wo agar aati hai uska reason kya hai and how I should cope with it. So as a result of that, mere andar confidence bahut aaya hai. Aapke saath kaun aaya hai Ranjana? Mere saath Vidhi aayi hai.
वेलकम टू द शो. हेलो. आपको अपनी मामा में क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं? शी हैज बिकम सो काम नाउ एज शी यूज्ड टू गेट हाइपर ऑन स्मॉल स्मॉल थिंग्स अर्लियर. नाउ शी हैज टेकन शी इज टेकिंग एवरीथिंग पॉजिटिवली. ओके ओके. आई एम लाइकिंग इट अ लॉट. और रंजना, आप उस मेडिटेशन के बाद अपने ड्रीम पैटर्न को ऑब्जर्व किया और रिकरेंट ड्रीम फिर आया या बंद हो गया? नो, सरप्राइजिंगली वो ड्रीम फिर मुझे नहीं आया. आई वॉज एबल टू रिजॉल्व दैट इशू एंड वो ड्रीम मुझे फिर नहीं आया एंड आई एम गेटिंग डेफिनेटली मोर पॉजिटिव ड्रीम्स. वेरी गुड. दैट्स रियली सक्सेसफुल. That's actually very successful. I would like to thank Dr. Newton and Dr. Lakshmi for that. Most welcome. बिल्कुल. और आगे हम बात करेंगे telepathic, animal और past life dreams जिन्हें आते हैं उन लोगों से. लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है. आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए सपनों का सच. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं सपनों का सच. डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी और हमारी वंडरफुल ऑडियंस हमारे साथ हैं. ब्रेक से पहले हमने बात की थी रेकरेंट ड्रीम्स के बारे में और रंजना हमारी केस स्टडी थी जिन्होंने खुद आपके सामने आपको बताया कि कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने महसूस किया है इन हफ्तों में. अब हम बात करते हैं वैसाखी साह से जिन्हें अक्सर टेलीपैथिक ड्रीम्स आते थे. वैसाखी, हैव यू नोटिस्ड एनीथिंग? या पहले जब भी मैं मेडिटेशन करने लगती थी तो मुझे अक्सर नींद आ जाती थी, पर आजकल डॉक्टर न्यूटन का जो गाइडेड मेडिटेशन मैंने सीखा है तो इससे आई हैव सीन द ब्यूटी ऑफ विजुअलाइजेशन एंड आई एक्सपीरियंस मोर ट्रैंक्विल एंड आल्सो मोर जॉयफुल. मतलब आई फील मोर लाइट हार्टेड एंड आई हैव ट्रूली इंटरनलाइज्ड दैट life is nowhere else, life is now here and you don't have to worry about the future or the past, just be in the present moment. Pehle aapka man past or future mein hamesha jaise present mein yes jata hai. For example, if I'm taking a walk, I would be constantly worrying about my future or career or relationships, right. But now I try to notice the trees or the birds. Sometimes I see butterflies and then I think they have a message for me. I think that's a very big achievement. Big achievement. आपके साथ कौन आया है वैसाखी? This is my friend Sonali. We have studied together in Singapore and she is a very close friend of mine. She would say something. Sonali, welcome to the show. क्या चेंज आपने महसूस किया है वैसाखी में? वैसाखी और मैं पिछले आई थिंक 4 साल से साइकिक स्टफ के बारे में काफ़ी बात करते आ रहे हैं. okay. और हम अपने ड्रीम्स हमेशा शेयर करते थे बट कभी भी वी कुड नेवर फाइंड अ लिंक बिटवीन द ड्रीम्स एंड द रियलिटी. वैसाखी के ड्रीम्स मेरे से ज़्यादा हमेशा क्लियर होते थे लेकिन फिर भी वी कुड नेवर सी कि क्यों आ रहा है ये ड्रीम, क्या इसके अंदर इसका मतलब क्या है, इज देयर एनी पॉइंट इवन पेइंग टू मच अटेंशन टू इट. लेकिन इन द पास्ट फ्यू वीक्स व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि इसकी शी हैज़ बिकम मोर टेलीपैथिकली इंट्यूटिव. इसको छोटी छोटी चीज़ों में इंट्यूशन हो जाती है कि अच्छा अब उसका फ़ोन कॉल आएगा या हम दोनों एक साथ एक बार में हमने एक दूसरे को याद करा और फ़ोन कॉल किया. डॉक्टर न्यूटन, इज शी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? परफेक्ट, शी इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. बट अब मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है कि मेडिटेशन करते वक्त मैं सो जाती हूँ और या फिर कुछ ही मिनट्स बाद काफ़ी ज़्यादा योनिंग होने लगती है एंड आई लूज ट्रैक. आप अगर कुछ टिप्स दे सकते हैं? एक्चुअली व्हाट यू आर सेइंग अबाउट द sleep like state that we experience during meditation, it's called yoga nidra. So it is part of the meditation and in the initial stages we get into a sleep kind of state, but later on we'll overcome it. Only thing is you need to constantly focus on your breath so that your mind becomes clear and empty. But sabse acha hota hai ki breath ko observe kare ya fir koi na koi chanting kare. Actually, your breath is your chant. It's the biggest mantra. Actually, the breath has its own sound, its quality, its texture. Yeah. Its You'll start rhythm. Enjoying the breath. Mm-hmm. So beautiful to breathe. Breath is life and energy. So breath itself is a big mantra. So it's like repeating itself. So when you follow this mantra of breath, it takes you into deep meditation. Great. Can we have a round of applause for Vaisakhi? Thank you.
हमारे साथ एक और बहुत ही खास मेहमान है, पल्लवी जायसवाल, जिन्हें अक्सर जो सपने आते थे उसमें उनको जानवर आके डराते थे। आइए उनसे पूछते हैं उनका डर खत्म हुआ या नहीं। पल्लवी, आपका डर खत्म हुआ? हाँ, मेरा डर जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और मेडिटेशन करने के बाद जिस तरह के फियर्स थे वो बहुत मैं काफ़ी हद तक मैं ओवरकम कर चुकी हूँ। पहले क्या होता था जब आप सपने देखती थी? पहले सपने देखती थी तो मैं उन्हें इंटरप्रेट नहीं कर पाती थी, और हर कोई अपने अपने सजेशंस देता था, रिलीजियस से भी लोग उसे जोड़ देते थे, रिलीजियस थॉट से। बट अब क्योंकि मुझे पता है कि मैं उन्हें कैसे डिकोड कर सकती हूँ, और हर ड्रीम मुझे एक मैसेज दे रहा है, कुछ बता रहा है, तो आई ट्राई टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड दिस, सो आई एम एंजॉयिंग इट। और आपके साथ कौन आया पल्लवी? मेरे साथ मेरे पापा आए हैं। आपके पापा से भी हम बात करेंगे। क्या बदलाव आपको पल्लवी में महसूस हुआ है इन दिनों में, जब से पल्लवी ने गाइडेड मेडिटेशन किया है? ये जब से इन्होंने मुझे बताया है तब से मैं देख रहा हूँ कि इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस और समय की पाबंदी, और पहले जो इनको सपने में कभी कभी सोए सोए उठ करके जाग करके अचानक चिल्लाना और भय की वजह से अचानक कभी कभी तो मैं भी घबरा जाता था, ये क्या हो गया, इसको आगे चल के एक गार्जियन के हिसाब से मेरे को चिंता की विषय होती थी, लेकिन अब शायद ये बातें, मेरी चिंता की बातें ख़त्म हो गई हैं, और इसके लिए मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे बड़ी बात है यहाँ सब यहाँ से खुश होके जा रहे हैं, कुछ ना कुछ अचीव करके जा रहे हैं, और पल्लवी का भी वो डर अब खत्म हो चुका है। डॉक्टर लक्ष्मी, एनीथिंग यू वांट टू सर, थोड़ा समय पूछना चाहता हूँ। यस, कि मुझे भी वैसे सपने तो कभी डरावने ऐसे नहीं आते हैं, ना मैंने कभी इतना केयर किया, लेकिन मुझे रात में सपने में अधिकांशतः देवी देवताओं के मंदिरों के या जंगलों में कभी मैं भ्रमण कर रहा हूँ, ये मतलब धार्मिक पहलू से ही। Yes. तो इसका तात्पर्य क्या है, या इसके लिए ये प्लस है या माइनस है, इसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ स्पिरिचुअल ड्रीम्स, दे हैव अ क्वालिटी ऑफ व्हाट इज कॉल्ड मेटाफिजिकल इन नेचर, सो यू ऑलवेज गेट लॉट ऑफ स्पिरिचुअल मैसेजेस, समटाइम्स इवन यंग पीपल दे गेट दिस काइंड ऑफ स्पिरिचुअल ड्रीम्स वेयर दे फाइंड देमसेल्व्स इन temples or places where they encounter gods or goddesses, religious deities, so they have a conversation. You can really be so much empowered through conversing with them, and you receive a lot of messages from them. Yeah. It is life transforming actually when you take the message from them and follow it, practically apply it in day-to-day life. It is very good. So again, it has got a positive message for you. Yeah, right. That's very nice. And it's very nice. Pallavi ji could totally go through the transformation. Overcome very powerful transformation. Nice. Congratulations. Very nice, Pallavi. Congratulations. और अभी हमें रुकना है एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अपनी बहुत ही खास मेहमान से, जो खास तौर से सैन फ्रांसिस्को से यहाँ चलकर आई हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि उन्हें जो सपने आते हैं वो क्यों आते हैं, क्या जो फियर्स उनके अंदर थे वो उसे ओवरकम कर पाई हैं या नहीं, ये हम जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वील बी राइट बैक, कीप वॉचिंग सपनों का सच। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और अब वक्त है उस खास मेहमान से बात करने का जो सैन फ्रांसिस्को से खास तौर पर इंडिया आई थी, ये जानने के लिए कि उन्हें जो सपने आते हैं वो क्यों आते हैं। हमारे साथ एओन है यहाँ पर। एओन, यू यूज टू एक्सपीरियंस पास्ट लाइफ ड्रीम्स, राइट? एनी चेंज यू हैव नोटिस्ड रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल नाउ? वेल, विद दैट रिलेशनशिप इन पर्टिकुलर, वेरी मच. Yeah, right. It was quite surprising, right. This experience. Did you speak to that guy again? Not yet, but what I feel is that, it was all an illusion. My fear was an illusion. Mm-hmm.
it's all just some cosmic dance or play, you know. So this changed many things in the way I'm thinking and reacting to people, and especially reacting to fear or things that appear fearful. It's helping me look sort of behind the scenes. Or any doubts you have regarding meditation, you may ask Dr. Newton, Dr. Lakshmi. I have a question, a pressing question. How do I do this kind of meditation you did with me when I'm far away from you guys? I can't come every time I have this. Yes, feeling, no? There is an inner guide inside us. Our own soul is our guide. So you can go into meditative state to understand about this attraction and repulsions. Generally, we have many triggers in our lives. Yes. When we meet people, certain things triggers us and instantly we go into a reactive state. Mm. So when you notice that, why this person is reacting me through this word or behavior or action, and just go into meditation to find out what is that fear within you, which is making you to react in your mind. At that moment, you will be able to understand that fear within you. Fear that is coming from the past. And one thing that I've read in your book and also in talking with you is that you need to relive to relieve. Right. And how important is it to relive? I mean, for instance, that dream, I was so afraid to go back into it. I thought it was going to be painful. I mean, the great thing was that it was funny and it wasn't painful at all. But yes. Is it necessary to actually feel the pain, or can you be the observer? You can actually be an observer, but it is very helpful if you can go inside the pain to understand that you are much more powerful than the pain. Dr. Lakshmi, wo habit shayad cultivate karne ke liye, kyunki abhi sirf ek hafta hi hua hai Aeon ko meditation kare hue, to wo shayad waqt lagega. Yes, thoda waqt lagega, lekin jab ye hum ye samajh jate hai ki wo ho chuka hai, wo past life is over, that life is, this life is different. So then that understanding will help you to just process that pain and totally release it from your system. And then it can become a more neutral relationship. Yes. I won't be reacting from this internal past. Past and fear, we don't react from there, but we respond in this very moment, now and here, with your heart. Right. And Aeon, are you doing meditation very religiously in this 1 week? Did you do it very religiously? Yeah, I've been doing for many years now. Very nice, Aeon, and I hope you remember the promise which you made that when you go back to San Francisco, you will let us know the experiences you go through there. Absolutely. Right? Absolutely. Wonderful. Absolutely. Thank you. Dr. Newton, Dr. Lakshmi, kuch aur aap hamare darshakon ko sapnon ke baare mein batana chahte hain, aur ek aur cheez main jana chahti hoon, sapnon ke फायदे एक बार हमें फिर से बता दीजिए कि क्या होते हैं इनके फायदे, क्यों इन्हें समझना जरूरी है. सपनों का, सपनों में हम जो कुछ भी देखते हैं वो फायदा ही फायदा है. द फर्स्ट एडवांटेज और यूज ऑफ द ड्रीम्स इज इट्स ए क्लेंजिंग प्रोसेस, क्लियरिंग प्रोसेस. जो कुछ भी हमारे अंदर हम दबा चुके हैं, वो जो इमोशनल क्लटर हो या मेंटल क्लटर हो, वो क्लियर कर रही है. और सेकेंड थिंग ये है कि सम ड्रीम्स आर कॉल्ड टीचिंग ड्रीम्स, will always be taught in the dreams from the higher masters or guides. तो हमें वो messages भी मिलते हैं higher dimension से, ताकि हम इस direction में चल सके, या हमारा purpose of life ये है. और third important use है कि we can use the dreams as a creative source. Many of the scientists, they could find all the ideas in their dreams, and even some great musicians, they could really compose, you know, the compositions were done in the dream state. Or artists or painters, they get all that inspiration from their dreams. So it can really be used as a solutions creative source. Solutions, to find the solution. And now the most important thing is your freedom. Mm. Actually, there's a popular expression that don't take away my dream. Dare to dream. Really, we have so much freedom in the dream. You can dream unthinkable things, unimaginable things. There is nothing that stops you in dreaming. That's why dream life is very, very important to expand our horizons of our mind, to reach to that shores which we are generally can't go there. We can reach to the farthest reaches. Yeah. Very nice. Sir, in 11 weeks, you both were with us.
And one thing which I really like about you, Dr. Lakshmi, that you're always smiling, you know. आज जब आपने इन सभी के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सुना तो आप दोनों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. एंड वी फील सो हैप्पी दैट वी कुड टच यू नो सो मेनी लाइव्स. एंड इवन इफ इट कुड बेनिफिट यू नो पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू कुड इफ यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी वॉन्ट. इट मेक्स अस सो हैप्पी. And everyone touched us too. Yeah. In a way, your experiences, yeah. whatever we shared here, it's so wonderful. And we learned all a lot. Learned a yeah. lot. And yeah. I have personally learned so many things. Thank you very much. और हमें भी ये उम्मीद है कि आप जितने भी लोग यहाँ आए हैं, जिन्होंने डॉक्टर न्यूटन से आपकी मुलाकात हुई है, आप लोग अब जो भी टिप्स डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी ने आपको दिए हैं, वो अपनी ज़िंदगी में रेगुलरली आप फॉलो करेंगे, शायद तभी आप लोगों को वो फ़ायदा महसूस होगा एंड यू कैन रीच दैट लेवल. एंड फाइनली आई वॉन्ट टू जस्ट से समथिंग, सपनों का सच जान लीजिए और अपने आप को सच की तरफ बढ़ाइए. वेरी नाइस.